हमारा थर्ड टर्म जो है साइंस का, उसका फर्स्ट जो लेसन है वो है रिप्टाइल्स, पार्ट बी रिप्टाइल्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्टाइल्स के बारे में। रिप्टाइल्स which have dry scaly skin and that lay eggs are called reptiles. Reptiles भी एक animal होता है जो जिनकी dry skin होती है, dry और scaly skin होती है और वो अंडे देते हैं, उन्हें reptile कहते हैं। Reptile has a bony skeleton, जैसे कि आपको पता है हमारा भी bony skeleton है। Animals जो होते हैं और like a cat, dogs, उनका भी bony skeleton होता है। ऐसे ही reptiles जो होते हैं उनका भी bony skeleton होता है। Most reptiles have four limbs, but snake do not have. What is limbs? It's limbs. Limbs मतलब बाजू या टांगे। जो रिप्टाइल्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट फोर टांगे और बाजू होते हैं, लेकिन स्नेक आपने देखा होगा स्नेक के बाजू या टांगे नहीं होते। स्नेक, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, टॉर्टाइल्स एंड लिजर्ड आर रिप्टाइल्स। कौन कौन रिप्टाइल्स हैं? जैसे कि स्नेक, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, टॉर्टाइल्स एंड लिजर्ड, ये रिप्टाइल हैं। Tortoise and turtle can live on water as well as in the land. जो मतलब turtle and tortoise होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी। Turtle and tortoise ये दोनों पानी में भी रह सकते हैं और land में भी, आपको ये मैं बता चुकी। लेकिन जो turtle होता है वो ज्यादातर पानी में रहता है। फर्क turtle और tortoise में ये है कि जो turtle होता है वो ज्यादातर पानी में रहता है। तो ये हमारा reptiles का chapter था, बहुत small था और हमें पता चला कि reptiles कौन से animal होते हैं और उनमें कौन से animal रहते हैं। Points to remember, जो आपने points आपने remember रखने हैं। Reptiles have dry scaly skin, like eggs. जो reptiles होते हैं उनकी scaly skin और dry skin होती है, वो अंडे देते हैं। First हमारा point ये था, point to remember। Second है reptiles has bony skeleton और हमारा second point remember करने के लिए ये था। अगर आपको आज की मेरी ये video अच्छी लगी तो subscribe कीजिए, like, comment, share और अगर आप bell icon बजा दें तो बहुत अच्छा होगा। Bye.